भस्मासुर वध कथा की प्रस्तुति को देखने के लिए। भस्मासुर हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसा दैत्य था जिसने स्वयं भगवान शिव का वरदान था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। कथा के अनुसार भस्मासुर ने इस शक्ति का गलत प्रयोग शुरू किया और स्वयं शिवजी को भस्म करने चला। शिवजी ने विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भस्मासुर को आकर्षित किया तथा नृत्य के लिए प्रेरित किया। नृत्य करते समय भस्मासुर विष्णु जी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसकी नकल शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने भी की। भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। इसको हम भरतनाट्यम तथा कथक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्यो Oh,
Thank you.
सुंदरी प्रिय, मैं हूँ भस्मासुर। तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर मन प्रसन्न हो गया। हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, खुद ही को अपने भुला भुला कर। जरा दया कर ओ संग दिल तू, न मार मुझको रिझा रिझा कर। मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। ठीक है प्रिय। Thank you.
और नृत्य एक बहुत ही अच्छे तरीके से मिश्रण था, भरतनाट्यम, कथक और थिएटर तीनों का। तो बात थिएटर की आई है तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जो हमारे थिएटर हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में, 9 नवंबर SRMS रिद्धिमा द्वारा प्रस्तुत मैं पापिनी क्यों, 10 नवंबर मेडोन थिएटर दिल्ली द्वारा द सुसाइड, 11 नवंबर अनिता नाग प्रोडक्शन मुंबई द्वारा श्री साईं सच्चरित्र, 12 नवंबर रूबरू थिएटर द्वारा अर्धकाव्य, 13 नवंबर नीपा रंगमंडली लखनऊ द्वारा भगवद अज्जुकम, और 14 नवंबर पिरो ट्रुप द्वारा चचा छक्कन इन एक्शन। तो पात्र परिचय जो आपने देखा प्रस्तुति, इसमें भस्मासुर के किरदार में थे मिस्टर अजय चौहान, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार में थी रियाश्री चटर्जी, पार्वती के अवतार में थी हमारी रिद्धिमा की भरतनाट्यम की गुरु अंबाली प्रहराज जी, भगवान शिव के रूप में थे देवी ज्योति नक्षत्र, पार्वती जी की सखियों के जया और विजया के रूप में थी साक्षी एवं शोभी अग्रवाल, नारद के रूप में रिया सक्सेना, भगवान नारायण के रूप में अंशुमन, नंदी के रूप में अखिलेश शर्मा जी, और लक्ष्मी के रूप में दीप शिखा जोशी जी। इसके साथ में पार्वती जी के साथ में जो लड़कियां नृत्य कर रही थी वो हमारे यहाँ की छात्राएं थी अदिति, देविशा, आध्या, पंखुड़ी, गायत्री, रीना एंड मिलाना। और सभी वाद्य यंत्रों पर और स्वर देने के लिए भी हमारे रिद्धिमा के ही सभी गुरुजन थे, तो एक बार जोरदार तालियां। तबला पर मैं अभी थोड़ा सा सबके नाम शायद नहीं बता पाऊंगा, तो सभी लोग खुद बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तबला और परफॉर्मेंस पे मैं पंडित दीपक साहा, तबला पर से मिस्टर शिव शंभू कपूर, वायलिन पे सूर्यकांत चौधरी, सारंगी पर उमेश मिश्रा, और इधर वोकल थी शिवांगी शुक्ला जी, गिटार पे अगस्तीन फ्रेडरिक, हारमोनियम पे जनार्दन, बांसुरी पे डॉक्टर पवन आचार्य, सारंगी पे अनीश मिश्रा, वोकल पे मैं स्नेहासिस दुबे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद इस चीज के लिए कि आज किसी की भी रिंगटोन नहीं बजी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे सुनो सर, तुम कह रहे सामने देखे सब तुमने उठाया तो कह दो यार, आयुष्मान अंशुमान के प्लीज प्लीज जल्दी 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 भाई प्लीज वॉइस ओवर ऑफ भस्मासुर भाई प्लीज थोड़ा जल्दी सर, देखिए प्लीज।